नमस्कार, एस्टो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्टो बेसिक चैनल से। इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं नेम एनालिसिस कंसल्टेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ। तो पिछली समझते पहले नेम एनालिसिस क्यों जरूरी है। नेम जो है एक व्हीकल की तरह काम करता है आपके लाइफ पाथ के पर्पस को अचीव करने के लिए। आप जिस दिन पैदा लिए हैं उसमें से बर्थडे नंबर आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और लाइफ पाथ नंबर जो है वो आपके सोल का पर्पस है, रीजन है क्यों आप इस दुनिया में आए हैं और आपको क्या क्या करना है। आपका जो नेम नंबर है वो एक व्हीकल है, वो आपको बताता है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या आप अपने नेम को यूज करके क्या पोटेंशियल ऐड कर सकते हैं। क्योंकि नेम नंबर और बर्थडे नंबर ये दोनों लाइफ पाथ नंबर को अचीव करने में सपोर्टिंग काम करता है और हेल्प करता है। क्योंकि बर्थडे नंबर तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मेरे लिए नेम नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके लाइफ के पर्पस को अचीव करने में मदद करता है। प्लस आपका जो स्ट्रेंथ है उस चीज को भी ये बताता है कि आप किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सिंगर है तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट है, अगर आप एक्टर है तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है, ये है कि नहीं आपके चार्ट में, वो चीज को हम लोगों को देखना होता है। तो इन सारी चीजों को मैं देखता हूं। नेम एनालिसिस कंसल्टेशन में दो पार्ट है, एक है कॉर्पोरेट नेम एनालिसिस, इसमें मैं कंपनी का नेम एनालिसिस करता हूँ, और दूसरा है इंडिविजुअल नेम एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल नेम एनालिसिस में क्या होते हैं। इंडिविजुअल नेम एनालिसिस में भी दो तरह के नेम एनालिसिस आते हैं, एक होता है न्यू बॉर्न बेबी का नेम एनालिसिस और दूसरा होता है जिसका नाम ऑलरेडी है उसके स्पेलिंग में करेक्शन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न बेबी के नेम एनालिसिस पे। तो न्यू बॉर्न बेबी का जब नेम एनालिसिस करता हूं तो उसमें मैं सबसे पहले उसका पहला अल्फाबेट जो चूज करना रहता है ये होता है, उसको डिसाइड करने के लिए मैं मेथड जो यूज करता हूं वो मैं उसके कुंडली में देखता हूं नक्षत्र उसके कौन से हैं या फिर कौन से प्लैनेट जो है उसके चार्ट में सबसे स्ट्रांग है और बेनिफिशियल है। नॉट नेसेसरी कि हमेशा नक्षत्र का पहला अक्षर ही फेवरेबल होगा, वो तो हमेशा होता ही है, लेकिन कौन सा है नहीं तो फिर नक्षत्र का पहला अक्षर जो है ये फिर मैं उसके पेरेंट से पूछ करके मैं डिस्कस करता हूँ। तब मैं सेकेंड स्टेप डिसाइड करता हूँ कि उसमें से कितने सिलेबल होने चाहिए नाम में। जैसे अगर मेरा नाम देखें जयंत, तो ज य तीन सिलेबल है। जैसे राम भगवान का नाम था राम, उसमें दो सिलेबल थे राम। तो ऐसे करके कितने सिलेबल होने चाहिए ये डिसाइड करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने जो क्लाइंट है उनको बोलता हूँ कि आप जो है नेम कुछ सजेस्ट करके दीजिए जिसका पहला लेटर जो अक्षर जो है वो इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से होना चाहिए, एंड देन दिस वे शुड बी दिस मेनी सिलेबल। तो फिर वो हमें नाम भेजते हैं, फिर मैं उस नाम के स्पेलिंग को चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चैलेडियन मेथड फॉलो करता हूँ, उस मेथड से मैं चेक करता हूँ कि इसका नाम जो है एज पर बर्थडे नंबर लाइफ पाथ नंबर कौन से नंबर पे आना चाहिए, कौन इनको है जो इनके लाइफ पाथ के पर्पस को अचीव करने में मदद करेगा। फिर मैं उस नेम को लेता हूँ कि पाइथागोरियन में जाके देखता हूँ कि कोई कार्मिक डेप्थ नंबर या ऐसा कुछ निगेटिव तो नहीं आ रहा है, और वहां पे जो हर एक अल्फाबेट का जो साइकिल है इसेन साइकिल नंबर उसमें वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा है। जब ये तीनों एंगल से ये चीज ठीक होता है और कुंडली में भी जो प्लैनेट जो इसके इनके नाम के जो मतलब होते हैं और जो अक्षर होते हैं हिंदी के अल्फाबेट्स के अनुसार उसको देख करके कि जो हिंदी के अल्फाबेट्स के वैल्यूज अलग होते हैं तो उसके अनुसार जो नाम होता है तो वहां पे कहीं इनको किस तरह का असर दे रहा है। तो इस सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मैं नाम कन्फर्म करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके ओवर द फोन। फिर जब वो रेडी हो जाते हैं तब मैं स्टेप्स भेजता हूँ और फिर मैं उनको एक कुंडली जो है न्यू बॉर्न बेबी का वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट जो है ये एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मैं साथ में देता हूँ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का और ये आपके लाइफ के पर्पस को, करियर के सक्सेस को, रिलेशनशिप को सबको बताता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अगर नाम ऑलरेडी है किसी का और वो नाम करेक्ट कराना चाहता है तो क्वेश्चन आता है कि आप क्यों कराना चाहते हैं क्वेश्चन चेंज। तो उसका रीजन ये है कि वो या तो करियर में सक्सेस चाहता है या हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहता है
या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कहीं तो उसको दिक्कत हो रही है, इसके लिए उसको नाम में चेंजेस चाहिए। तो पहले मैं उसके एग्जिस्टिंग नाम को चेक करके देखता हूँ कि वो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके लाइफ में, ये कहीं टाइमिंग इश्यूज है या बिकॉज ऑफ नेम उसका इश्यूज है। फिर मैं उसका चेक करता हूँ चैलेडियन मेथड से कि उसको वो जो नाम है, मतलब अगर वो केवल स्पेलिंग चेंज करना है तो वो सही नाम नंबर पे आता है या नहीं। वहाँ के बाद उसके बाद मैं उसका कंपाउंड नंबर वगैरह चेक करता हूँ। उसके बाद फिर मैं पाइथागोरियन पे जाता हूँ। पाइथागोरियन पे जाने के बाद जो है वहाँ पे मैं उसका देखता हूँ कि कोई कार्मिक टेप नंबर या ऐसा कुछ नहीं आ रहा हो और फिर इस सेंस पे नहीं हो। फिर उसके नाम का जो है मैं कुंडली में भी चेक करता हूँ हॉरोस्कोप में कि क्या मतलब है और किस प्लैनेट को डोमिनेट कर रहा है उसका नाम जो है, किस हाउसेस को डोमिनेट कर रहा है और वो किस तरह से असर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों को मिला करके ही नाम एनालिसिस करता हूँ, चाहे वो एग्जिस्टिंग नेम हो चाहे वो न्यू बेबी का नेम। नेम करेक्शन के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि ये नेम करेक्ट होने के बाद उसके पार्टनर के साथ ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब आप नाम का स्पेलिंग चेंज करते हैं तो आपके पार्टनर का नाम तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों नाम मिलकर आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के साथ जो है ये दिक्कत करता है। तो ऐसा ना हो कि आपका मैंने करियर ठीक किया तो रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाए। तो उस दोनों को चेक करते हुए मैं नेम का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि नेम करेक्ट करना एक जिम्मेदारी का काम है। ऐसा ना हो कि एक साइड मैंने आपका ठीक कर दिया और फिर पता चला हेल्थ इश्यूज आने लगे, या हेल्थ ठीक किया तो करियर में इश्यूज आने लगे। तो सब चीज को देख करके, कंसल्टिंग करके, डिस्कस करके क्लाइंट के साथ सारे चीजों को मैं बताता हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं उनको भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और कुंडली जो है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये 360 डिग्री मैं कहता हूँ कि हर एंगल से, चाहे आपका कुंडली हो, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी हो या चैलेडियन न्यूमरोलॉजी हो, ये सारा चीज मैं देखता हूँ अलोंग विद वो किस तरह का असर करता है रिलेशनशिप पे, करियर पे, आपका हेल्थ पे, ये सारा चीज मैं देख करके डिसीजन लेता हूँ। अब आते हैं अनदर पार्ट जो कॉरपोरेट नेम एनालिसिस का पार्ट है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि कॉरपोरेट क्योंकि जो है ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले कितने लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल है या फिर बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनी का नेचर क्या है बिजनेस करने का, और कुछ नंबर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, तो वो है या नहीं, आपका जो प्रॉफिट है आप किस टाइम पैदा लिए हैं कुंडली के अनुसार, और आपका कौन सा प्लैनेट डोमिनेटिंग है जो आपको बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है, ये भी मुझे देखना होता है। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट नेम एनालिसिस है वो नेम एनालिसिस से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट और मार्केट में प्रेजेंस और किस साल ये बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करेगा, ये सारा चीज मेरे को देखना पड़ता है। इसमें मैं चैलेडियन मेथड यूज करता हूँ, फिर पाइथागोरियन में चेक करता हूँ ये हर साल कैसे असर करेगा और इस पर कोई कार्मिक टेप नंबर तो नहीं है, और कुंडली के अनुसार भी मैं चेक करता हूँ। फिर मैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मैं इन लोगों को ये भी बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा लकी कलर होगा, आप अपने वेबसाइट पे या लोगों पे किस तरह के कलर्स को जो है आप डाल सकते हैं, आपके लिए कौन सा ऑस्पिशियस डे है और कौन सा डे आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं है इस बिजनेस में कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए। और फिर मैं उनको भी जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत डिटेल में तो नहीं, कपल ऑफ क्वेश्चंस अगर उनका बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने खुद अपना बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और आपको सक्सेस दिलाना एज एस्ट्रोलॉजर मेरा जिम्मेदारी है। तो मैं कॉरपोरेट में ये सारे चीज को चेक करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत चीज होते हैं जो इसको देखना पड़ता है, मैं इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं। तो ये था नेम एनालिसिस का पूरा प्रोसेस। अगर आप अपना नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से नेम एनालिसिस का कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।